मुझे कहीं ना कहीं जो जो हंच है, जो फीलिंग आती है, वो यही आती है कि कांग्रेस मेजोरिटी ले जाने में कामयाब हो जाएगी। ये सारा सीक्वेंस जो है इस तरह से बन रहा है कि भाजपा अपनी 35 से 40 और दावा कर रही है कि पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी काम सीट्स पे किया गया है, वो जो है उन्हें फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस मानती है कि जो चुनाव है वो उनकी तरफ से जनता लड़ रही है, और ये है कि कांग्रेस अपर हैंड में जरूर है। और दूसरी बात, जैसा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आफ्टर 10 ईयर्स जो रहता है किसी के लिए, वो भी देखने में आ रहा है। हरियाणा में चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है, प्रचार कल थम जाएगा, और ऐसे में हरियाणा की फिजा में हर कोई अपनी अपनी जद्दोजहद में है। हर पार्टी कोशिश में है कि उनकी दावेदारी मजबूत है, इश्यूज की उनको बेहतर समझ है, लेकिन क्या लोगों ने ये मुद्दे, ये इश्यूज या पॉलिटिकल पार्टीज के जो दावे हैं उनको कितना समझा है और कितना समझकर वोट डालने जा रहे हैं, इस पर सबकी नजरें जरूर है। इस पर हम भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं संजय मल्होत्रा जी और राजेश गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी। सर, आप सबसे पहले बताइए, क्योंकि आपने काफी हरियाणा को कवर किया है सर, पीटीसी और अन्य चैनलों में थे, ब्यूरो चीफ भी और डिप्टी एडिटर भी, सर क्या ये क्या लग रहा है आपको, इस बार चुनाव अलग कैसे हैं और जो जो इश्यूज हैं उनका पार्टीज के साथ साथ सीट्स पर कैसा आप समावेश देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अलग की बात है चुनाव, तो मुझे कोई ऐसा अलग वाली बात तो नहीं लगती। जैसे हर बार की तरह चुनाव रहते हैं, तो इस बार भी हरियाणा में चुनाव हैं। हाँ, निश्चित तौर पर मुद्दे बदलते रहते हैं, मुद्दे नए नए आते रहते हैं, नई नई डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। तो इस बार भी मुकाबला जो है वो मुख्य तौर पर यहाँ पर जिस तरह से पिछली बार था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि हरियाणा में जो पुराना इतिहास रहा है वो अलग से रहा है। किसी जमाने में भाजपा यहाँ पर एक तो बहुत ही मार्जिनल किस्म की पावर हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और पिछले खास तौर पर पिछले चुनाव से अगर हम कहें, तो भाजपा एक ताकत के रूप में उभर कर सामने आई पिछले 2 चुनावों से, और इस बार भी निश्चित तौर पर भाजपा एक बड़ी ताकत है, सत्ता पे इस वक्त आसीन है। लेकिन हालात बदले हैं, निश्चित तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहता है, वो तो है ही है, और इस दौरान जो पिछले 5 साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई उनका भी असर इस चुनाव के ऊपर पड़ने वाला है। है कैसा है सर, अगर 90 की 90 सीट्स पर बात करें तो उतना डिटेल में, चलो आप नहीं, शायद संभव नहीं है उतनी डिटेल में बातचीत हो पाए, लेकिन जो जो मुख्य सीट पर कॉमन क्या है सभी 90 की 90 सीट्स पर, चाहे वो इश्यू हैं, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन की बात, वही मैं मुद्दों की बात करने वाला था। मुद्दे जो मुख्य तौर पर जो रहने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा तो आप देखिए कि किसानों का आंदोलन चला, तो किसानों का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में है, क्योंकि हरियाणा आप जानते हो कि एक एग्रेरियन स्टेट है, कृषि प्रधान स्टेट है, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो ग्रामीण इलाकों से आती है और खेती किसानी के साथ जुड़ी हुई है। तो जिस तरह से किसानों के साथ लगातार टकराव की स्थिति पिछली सरकार की बनी रही और जिस तरह का नैरेटिव पिछले दिनों में घड़ा जाता रहा, तो उसके बाद लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नुकसान रहने वाला है। फिर उसके बाद पहलवानों का मसला रहा, जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगे और उस पूरी सिचुएशन को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हैंडल किया, चाहे वो केंद्र में बात रही हो चाहे वो हरियाणा में रही हो, और वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पहलवान जो है हरियाणा के ही जो है वो जाने जाते हैं, और जो पहलवान इस आंदोलन को चला रहे थे वो भी हरियाणा से थे, चाहे आप विनेश फोगाट का नाम लीजिए, चाहे साक्षी मलिक का नाम लीजिए, चाहे बजरंग पूनिया का नाम लीजिए। विनेश फोगाट तो अब आप जानते ही हैं कि वो इलेक्शन भी लड़ रही हैं, तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है जो हरियाणा के इन इलेक्शंस को प्रभावित करने वाला है। इसके बाद जो तीसरा मुद्दा है वो अग्निवीर का मुद्दा है। अग्निवीर जो योजना सरकार लेकर आई है, हरियाणा से बहुत बड़े युवाओं की संख्या जो है वो भारतीय सेना में जाना या जो आर्म्ड फोर्सेस है उसमें जाना पसंद करती है, तो जिस तरह से उसमें अब जो है सिर्फ 4 या 5 साल के लिए जो अग्निवीर योजना लाई गई है, वो कहीं ना कहीं जो युवा हैं हरियाणा के वो ठगा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये उनके साथ एक और अन्याय हुआ है, जो पहले अन्याय हो रहे थे उसमें ये एक और अन्याय जुड़ गया है, तो ये भी एक मुद्दा रहने वाला है। और अपने आप में बेरोजगारी हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
हरियाणा में आप चाहे वो आंकड़े आप सीएमआई के ले लीजिए, चाहे वो सरकार के अपने एनएसएसओ के आंकड़े हैं, वो सब यही बता रहे हैं कि हरियाणा में इस वक्त बेरोजगारी एक चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गई है। तो ये भी एक मुद्दा रहने वाला है। तो मुझे लगता है इन मुद्दों के मद्देनजर अगर ये चुनाव लड़े जाते हैं, इन मुद्दों की छाया में ये चुनाव लड़े जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। महंगाई का तो एक जनरल आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि महंगाई बहुत बड़ा इशू है। और ये मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये क्रेडिट देना चाहूंगा कि महंगाई जो है उस स्थिति तक नहीं पहुंची कि लोगों को बहुत ज्यादा तंग करे, है कि नहीं। तो इस नजरिए से मैं देखूं तो महंगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो चार मुद्दे या तीन मुद्दे मैंने आपको गिनवाए, ये निश्चित तौर पर चुनाव को प्रभावित करेंगे। राकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, ये आप जैसे सर ने भी बताया, इसके अलावा जो कैंडिडेट सिलेक्शन है, 90 सीटों पर स्ट्रेटजी है, सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी की है, तो उस पर आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो पहले से बेहतर हुई है, या कांग्रेस की, जैसे क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा पुराने लीडर हैं, उनकी पैंट है, तो क्या उसको पॉलिटिकली ध्वस्त करना संभव है बीजेपी के लिए या राजनीतिक तौर पर चुनाव में? देखिए, ये जो आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन की, उसमें एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो है दोनों पार्टियों ने की है। भाजपा के तो 3-4 सर्वे हुए हैं बकायदा, जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये तय किया गया कि उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स लिए गए। आपने देखा होगा कि भाजपा ने बहुत सारे सिटिंग एमएलएस और इवन की मंत्रियों की भी टिकटें काटी हैं, जिनमें सीमा त्रिखा हैं, बनवारी लाल हैं और अनूप धानक हैं। तो ये मंत्रियों की टिकट काटना भी बड़ा इशू होता है। कांग्रेस ने भी सर्वे किए हैं अपने कैंडिडेट्स के, हालांकि कांग्रेस में कल्चर ये रहता है कि ग्रुप की मुझे इतनी टिकटें चाहिए या वो होता है, लेकिन बावजूद उसके सर्वे हुए। और जो कांग्रेस में क्लेश हुआ वो भी सबके सामने है। कांग्रेस की लिस्ट जो है सबसे लेट जारी हुई और फिर उसके बाद लोगों में नाराजगियां आई। कम से कम 16-17 जो ऐसे लोग हैं जो बागी हुए, जिनमें चित्रा सरावरा है, कपूर नरवाल हैं, तो ये अहम हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। कल ही 10 लोगों को निष्कासित किया गया पार्टी से। तो ये एक जो पार्टी के जब कैंडिडेट की सिलेक्शन है, पहला जो चरण था, मुश्किल चरण दोनों पार्टियों के लिए ये था। बीजेपी में बगावत रही, ना केवल कांग्रेस में, बीजेपी ने कमोबेश अपने लगातार कई जो बागी हुए उन्हें मना लिया, जिससे हम बात कर रहे हैं, लतिका शर्मा है, रामविलास शर्मा एक ऐसा चेहरा है बीजेपी का जो 14 के चुनाव में निर्णायक स्थिति में थे, वो टिकट दिलवाने वालों में से थे। जब भाजपा की यहाँ पे प्रेजेंस कम रहती थी, वो भले इनेलो हो या फिर एचवीपी हो, हरियाणा विकास पार्टी, उसके साथ समझौते करवाने में भी रामविलास शर्मा का बड़ा नाम था। आपने देखा होगा कि जो हाल ही रामविलास शर्मा की जब टिकट अनाउंस नहीं हुई, तो उन्होंने भी बगावती तेवर जो हैं अपनाए थे। बगावती तेवरों में हालांकि उन्हें मना लिया गया, हो सकता है कि उन्हें और कोई पद देने की बात की गई हो, अब वो पूरी तरह से शांत है और प्रत्याशी के समर्थन में अपना प्रचार भी कर रहे हैं। इसके अनिल विज बड़ा नाम है वो, लेकिन बागियों में नहीं है, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। और अनिल विज जिस तरीके से उन्होंने अपने दावेदारी मुख्यमंत्री के लिए, वो एक अलग बगावत, ये एक अलग विषय है, क्योंकि अब हम जब मुख्यमंत्री की बात है, तो उन्होंने यही बात की कि अब की बार अगर मौका मिलता है, सरकार बीजेपी की आती है, तो वे दावा जताएंगे, और बनाना या ना बनाना हाईकमान के ऊपर है। आपको ये जानकारी है कि बीजेपी अपना इलेक्शन नायब सिंह सैनी को फेस बनाकर लड़ रही है, उनकी फेस बनाने का, उनकी लीडरशिप में लड़ रही है, जिसका मतलब ये है कि भाजपा ने अपना आने वाला सीएम डिक्लेयर कर रखा है। किसी भी नेता के फेस पर चुनाव लड़ने का अर्थ यही होता है कि जब चुनाव के बाद लीडरशिप की बात आएगी, तो एक तय है, अमित शाह ने क्लियर किया है कि नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के फेस पर पार्टी लड़ाई लड़ रही है। दिक्कत है कांग्रेस में अभी फेस डिसाइड नहीं है, कांग्रेस का एक अपना कल्चर है, यहाँ भी दावेदारियां आ रही हैं, रणदीप सुरजेवाला ने की है, शैलजा ने की है, उपेंद्र सिंह हुड्डा भी दावेदारी लगातार, जिस तरह से लीडरशिप में वे काम कर रहे हैं, उनकी दावेदारी भी मजबूत है। लेकिन यहाँ पर जो एक हाईकमान ने जो तय किया होगा वो होगा, लेकिन एक प्रक्रिया ये है कि विधायक दल की बैठक होगी, फिर हो सकता है कि वो बैठक दिल्ली में हो, और विधायक दल से जिसका नाम जो विधायक देंगे, बंद लिफाफे में नाम जाएगा सबका, हाईकमान पे फैसला छोड़ दिया जाता है।
आपको अगर 5 की बात याद हो तब भजन लाल के नेतृत्व में 67 सीट्स जो है 67 सीट जो है जीती थी। यहाँ पे विधायक दल की बैठक हुई, दिल्ली में हुई, लेकिन सीएम हुड्डा बने। जब हुड्डा साहब तब एमपी थे, एमएलए भी नहीं थे। अब भी शैलजा जो है दावेदारी जता रहे हैं, मजबूत दावेदारी जो है जता रही हैं। आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिन वे प्रचार से दूर रही। दूर रहने का कारण यही बताया गया कि उनमें किसी कांग्रेसी ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया है। लेकिन ये भी एक कारण था कि मुख्यमंत्री वाला टिकट में जो टिकटें आवंटित की गई हैं उनके जो नॉन लोग हैं या उनके जो लोग हैं 7-8 लोगों को टिकटें मिली हैं, उनका ये भी रोष है कि हुड्डा को ज्यादा टिकटें दी गई। 78 के आसपास जो सीटें हैं, जो टिकट्स हैं, वो हुड्डा को मिली हैं। और जब इतने ज्यादा सीट्स होंगी तो विधायक भी उसी ग्रुप के ज्यादा जीत कराएंगे तो संख्या। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हाईकमान जो है वो पावरफुल रहता है और हाईकमान अंतिम फैसला लेता है। तो ये जो सीएम बीजेपी के सीएम की तो कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस में भी पलड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भारी है, लेकिन बाद की बातें क्या होता है। अच्छा, ये चीज हुई, अगर 90 सीटों की बात करें तो वहां पर कौन कौन सी हॉट सीट है और वहां पर सिचुएशन कैसी है? जैसे लाडवा में जहां से सीएम सैनी खुद है वहां पर भी टफ कंपटीशन बताया जा रहा है, उसके अलावा बाकी स्थिति क्या लग रही, कितनी सीटें ऐसी हैं आपके हिसाब से जो इंटरेस्टिंग है, जहां पर मुकाबला देखने वाला है? देखिए, इस समय हॉटेस्ट सीट जो है वो बनती है विनेश फोगाट की। वो पहलवान थी और आप जानते हैं कि पहलवानों के साथ जो दिल्ली में हुआ, जो पूरे, क्योंकि हरियाणा में इस समय नारा है जय जवान जय किसान जय पहलवान, मतलब पहलवान भी उसमें जोड़ दिया गया है। पहलवानों के साथ जो दिल्ली में हुआ वो किसी से छिपा नहीं है और जिस जाति जिस वर्ग से वे आती हैं उसमें भयंकर रोष है। उनका जो प्रचार चल रहा है इसी बात पर चल रहा है। विनेश फोगाट की सीट जैसा आपने पूछा हॉट सीट है। फिर लाडवा, जहां पर मुख्यमंत्री एक सिटिंग विधायक के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, ये हॉट सीट मानी जाएगी। एक मैं अंबाला कैंट को भी हॉट सीट मानता हूं, क्योंकि तेज तरार नेता हैं भाजपा के अनिल विज के मुकाबले में कांग्रेस के हैं और एक कांग्रेस की बागी है चित्रा सरावरा, तो वे इलेक्शन लड़ रही हैं। इसी तरह से सिरसा सीट भी हॉट मानी जाएगी क्योंकि वहां पर जो है गोकुल सेतिया के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट अपने आप में, क्योंकि पिछली दफे 602 या 610 वोटों से गोपाल कांडा ने जीती थी, तो इस समय गोकुल सेतिया उस समय निर्दलीय खड़े थे, इस समय कांग्रेस पार्टी के टिकट उन्हें मिली है, तो वो एक पूरी तरह से हॉट सीट है। तो इसी तरह और एक दो सीटें और हॉट हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हरियाणा में कभी झगड़े होते थे, महम सीट हॉट मानी जाती थी, वहां हमेशा ही झगड़े रहते थे, अब वो कमोबेश पिछले 2-3 चुनाव से ये देखने में आया कि शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं, कुछ छिटपुट एक आधी घटना हो जाए, लेकिन अब इस तरह की घटनाक्रम देखने को नहीं मिलता। जैसे सर ने कई इशू गिनवाए अपने सीएम फेस से लेके हॉट सीट की बात की, तो एक जो नई चर्चा है कि जैसे राम रहीम को पैरोल मिली है, तो उससे क्या पॉलिटिकल क्या आपको लगता है कि क्या स्पेकुलेशन है या बदलाव हो सकता है, वोट में तब्दील हो सकता है? जैसे पंजाब के अंदर तो मालवा रीजन जैसे बड़ा डोमिनेट करता है सिरसा फैक्टर, तो यहाँ पर सिरसा के अलावा और कौन सी जगह है या पॉलिटिकली क्या इसका असर है? देखिए, जो माना जाता है 2.5 से 3 दर्जन सीटें जो हैं डेरा के प्रभाव में मानी जाती हैं और 6 दफे इससे पहले भी इलेक्शन के टाइम में उन्हें पैरोल मिली है। सजा आप जानते हैं कि उन्हें सजा है साध्वियों के यौन शोषण के मामले में और एक हत्या का केस उन पर चल रहा है। अभी 11 सितंबर को पैरोल खत्म करके वे जेल गए थे, अभी उन्होंने इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। इमरजेंसी पैरोल में रीजन क्या दिए ये अभी गुप्त है सारा मामला, क्योंकि इसको उजागर नहीं किया गया। हाँ, इतना जरूर था कि इलेक्शन कमीशन से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि यार चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, चुनाव के लिए कोई अपील नहीं करेंगे और जनसभा नहीं करेंगे, हरियाणा नहीं जाएंगे, 3-4 शर्तें हैं। लेकिन अभी मेरे को ये जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में उन्होंने अपने जो डेरा की गतिविधियों के लिए होते कोई सभाएं बुलाई हैं, उन सभाओं में हो सकता है कि वो इशारे में कोई बात समझाएं जिससे फिर उनके और फॉलोअर हैं आगे फॉलो करें। तो जो हरियाणा में डेरा का काफी प्रभाव है और इसको हम नकार नहीं सकते हैं, ना केवल सिरसा फतेहाबाद, वो सारा जो एक बेल्ट है
और वहां पर इनका प्रभाव देखने में आता है और पूरा वर्ग इनके साथ जुड़ा है। इवन की अम्बाला सीट पर भी मिलता है, कुरुक्षेत्र भी मिलता है, लाडवा में भी, तो हर जगह हाईवे पे मिलेंगे आपको। इधर से जब आप चलेंगे तो आपको कैथल से ऊपर जाकर इधर सिरसा, फतेहबा, टोहाना, सब जगह इनके फॉलोअर्स हैं। इसीलिए माना जाता है कि 30 से लेकर 36 सीटों पर इनका प्रभाव है। अभी ये देखने वाली बात है कि बाबा किस तरह से अपने जो अनुयायी हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि वे हरियाणा में एंटर नहीं कर सकते हैं। उससे पहले भी उनकी यही कंडीशन रहती थी कि शांति व्यवस्था खराब ना हो, वे बागपत जाते हैं। तो अभी जो जब जाएंगे, क्योंकि आजकल साधन बहुत हैं और जूम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके जब जो अनुयायी हैं उनसे जब बैठ के होंगी, किस तरह का मैसेज वे देते हैं, देखने वाली बात है। और उसी के बाद एक मैं और बताता हूं आपको, डेरा की एक पॉलिटिकल विंग है, वे बाबा के आदेश या निर्देश का इंतजार कर रही है। उसके बाद वो पॉलिटिकल विंग एक आदेश जारी करती है कि क्या रुख अपनाना है चुनाव में। लेकिन बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी के राज में बाबा को सजा हुई, जब उनको डेरा से निकाला गया, वो आपको घटनाक्रम पूरा ध्यान होगा कि किस तरह से आए और किस तरह से गोलीबारी हुई। तब ये था, जब डेरा से निकाला, अधिकारियों की जो जिम्मेवारी थी कि इनको जो है सजा नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन कोर्ट के आदेशों के सामने कुछ नहीं चली। उसके बाद जब हुआ तो फिर बाबा का पैरोल मिलनी शुरू हुई, तो लगातार पैरोल मिली, क्योंकि उन्हें आजीवन सजा है। तो मैक्सिमम पैरोल का डेरा के प्रमुख जो है इस्तेमाल करते हैं, ताकि जितना राहत की सांस ली जानी चाहिए। वो इसके जरिए अब इस जो पैरोल मिली है उसके जरिए भी ये संदेश जाएगा कि भाजपा का रवैया उनके प्रति नरम है, ताकि बेनिफिट ले सकें। अब कांग्रेस की स्थिति यह है कि पैरोल पे कुछ बोल नहीं सकती है, वो देखा हमने ना, आम आदमी पार्टी अभी कोई पार्टी नहीं बोलेगी। उसकी कारण एक है कि जो भी एक कई दफा हम छिपा हुआ समर्थन मान लेते हैं, हमें पता है कि नहीं मिलना, लेकिन एक छिपा हुआ मान लेता है, अभी उसको टच करके क्यों नाराज किया। तो वही स्थिति अभी कांग्रेस का आपने देखा कि हमने पूछा भी, ये जो हरियाणा के लिए ऑब्जर्वर हैं, सीनियर ऑब्जर्वर हैं प्रताप सिंह बाजवा, उनसे भी पूछा, वो बल्कि खड़े हो गए चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो इसलिए पीसी छोड़कर चले गए। तो डेरा का जो इश्यू है, बेनिफिट जिसको मिलना उसको मिलेगा, लेकिन दूसरे भी मजबूरी के चक्कर में बोलेगा कोई नहीं। सर, इन्होंने जैसे सर ने काफी कुछ डिटेल में बताया, अगर हम कंक्लूड करें अब, तो आपको लगता है इन इश्यूज पे, इन इस सोशल इंजीनियरिंग पे, पार्टी की स्ट्रेटजी पे, करंट इश्यूज पे, क्या लोगों ने मन बनाया हो सकता है कि कितनी सीट्स और क्या किस तरफ झुकाव आपको लगता है? और इस बार इश्यूज के अलावा और कौन सा मेजर फैक्टर है कि जिसको लेकर लोग ये सोचकर वोट डालेंगे कि एक चेंज महसूस करना है, पहलवानों का इश्यू है, कुछ भी मतलब उसमें हो, तो क्या लग रहा है और कितनी सीटों पर आपको लग रहा है, कौन सी पार्टी लग रहा है कि? देखिए, फोरकास्ट करना तो शायद ठीक भी नहीं रहेगा, और चूंकि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो इस करके हम सिर्फ हवा में कुछ फोरकास्ट करें तो वो मुझे लगता है कि वो वाजिब भी नहीं है। लेकिन जो जैसा कि राकेश जी ने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, जो हालात हैं इस वक्त हरियाणा में, उसके मद्देनजर ये तो तय है कि मुकाबला जो है वो सीधा है, कड़ा मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। लेकिन जो फैक्टर्स मैं पहले, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी, वो फैक्टर्स रहने वाले हैं, बाबा फैक्टर जो अभी इनसे बातचीत में सामने आया, तो वो कितना उसको डेंट करेगा, क्योंकि जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर बाबा को पैरोल मिली भी है तो इसका मतलब ये सीधे सीधे ये नहीं लगा लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को वो सारा का सारा समर्थन मिल गया, वो वोट बैंक एकदम से उधर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उसमें कई तरह की पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लिकेशन है। क्या क्या लग क्या रहा, रेशियो क्या लग रहा है आपको सीट्स का? अगर आप, वही मैंने कहा ना कि चूंकि फोरकास्ट करना, फिर भी मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को एज है, और कांग्रेस मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, या मेरा जो आकलन है वो गलत हो सकता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जो हंच है, जो फीलिंग आती है, वो यही आता है कि कांग्रेस मेजोरिटी ले जाने में कामयाब हो जाएगी। ठीक है, आपका सर, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, इस समय एनालिसिस जो है बड़ा मजेदार हो रहा है। बीजेपी के सीनियर नेतृत्व जो राज्य के, उनसे बात होती है, वे अपनी 35 से 40 सीटें खुद ही मानते हैं कि इतनी सीटें हमें मिलेंगी। देखिए, 10 साल के बाद एंटी इनकमेंसी है, इसको कोई नहीं झुटला सकता, लेकिन बीजेपी इसको प्रो इनकमेंसी बताती है कि पार्टी के पक्ष में लोगों में प्रो इनकमेंसी है। और कांग्रेस का जैसे बताया, कांग्रेस अपनी हाई
पिच में है कि 60 से 65 में भी उससे ज्यादा सीट्स मिलेंगी, लेकिन इतना ऐसा नहीं होता है। ये बीजेपी अभी भी अपने फुल मूड में 35-40 सीटें लेने के मूड में है और ये कहती है कि अगर मिल जाएगी तो सरकार बनाएंगे, क्योंकि 5 से 6 निर्दलीय जीतने जा रहे हैं ये तय है। कईयों की हम बहादुरगढ़ की सीट की बात करें, राजेश जून है इधर गोहाना में, माफ करें गोहाना नहीं, गन्नौर में देवेंद्र कादियान है, कपूर नरवाल हैं, इनकी सीट्स ऐसी हैं जहां पर लोगों का हजूम इनके साथ चलता है। तो ये जो सीट्स हैं, अब भाजपा निर्दलियों या फिर INLD, हालांकि INLD के जो नेता हैं अभय चौटाला इस समय साफ कहते हैं कि हम भाजपा को समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई ऐसा चक्कर फंसता है कांग्रेस को समर्थन देने के बजाय वे प्रेफर करते हैं बीजेपी को जाया जाए। हालांकि एक नई बात अब की बार अभय चौटाला ने भी इन इलेक्शनों में की है कि उन्हें कांग्रेस से गुरेज नहीं है, वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाइक नहीं करते, वो उनकी पर्सनल उसमें है। तो ये सारा सीक्वेंस जो है इस तरह से बन रहा है कि भाजपा अपनी 35 से 40 और दावा कर रही है कि पिछले 2-3 दिनों में काफी काम सीट्स पे किया गया है, वो जो है उन्हें फायदा मिलेगा। कांग्रेस मानती है कि जो चुनाव है वो उनकी तरफ से जनता लड़ रही है और ये है कि कांग्रेस अपर हैंड में जरूर है। और दूसरी बात, जैसा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आफ्टर 10 ईयर्स जो रहता है किसी के लिए, वो भी देखने में आ रहा है और लोग मुद्दों की बात भी करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, महिलाओं से हुए अपराध की बात करते हैं, पहलवानों की बात करते हैं, चुनाव में धमक जो है सुनने को मिलती है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो रीजनल पार्टीज क्योंकि काफी सुकड़ गई है एक तरीके से, इसका आपको कुछ लगता है कि उभर सकती है आने वाले समय में, या जो एक किंग मेकर वाली फील थी खासकर जैसे JJP की, फिर NLO का स्प्लिट हो गया, तो ये इसका आपको क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या हो सकता है? देखिए इस बार INLD आप फ्रेम में है, JJP भी है, आम आदमी पार्टी भी है और INLD का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी है और उधर हरियाणा लोकहित पार्टी भी जो खंडा साहब की पार्टी है वो भी उनके साथ है। तो ये कॉम्बिनेशन, अगर हम सिरसा क्षेत्र की बात करें जहां पर INLD का होल्ड रहा है, खासतौर पर अभय चौटाला का होल्ड रहा है, तो वहां मुझे लगता है कि शायद 1-2 सीट्स वहां पर ये कॉम्बिनेशन ले जाए। जजपा का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, जहां जहां भी वो जा रहे हैं उनके खिलाफ एक गुस्सा है लोगों के मन में, खासतौर पर जो किसान और जाट समुदाय है बीजेपी का एंटी इनकमेंसी, हाँ वो कि भी जिस तरह से ये लगातार सत्ता में भागीदार बने रहे इस बात को लेकर लोग उनसे नाराज हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो उसके एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस हिसाब से उसमें जो है सब्सटेंस नहीं है, उनके पीछे जो दम होना चाहिए ना वो, हाँ वो कैडर नहीं है, वो नहीं है उनके पास, तो वो कोई बहुत ज्यादा, हाँ थोड़ा बहुत वोट कटिंग वाला जो काम रहता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन खुद अपने आप में कोई बहुत ज्यादा वो कोई करिश्मा कर जाएंगे इन इलेक्शंस में, ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। हाँ कल को जैसा कि राकेश जी ने कहा कि अगर हंग वाली स्थिति बनती है, अगर भारतीय जनता पार्टी 35-40 तक आ जाती है, तो ऐसे में अगर INLO के पास 4 सीट हैं, 5 सीट हैं, तो फिर उस स्थिति में ये लोग जो है ना एक तरह से किंग मेकर्स बन जाएंगे।